मतलब कुछ टॉप कर हाँ क्वेश्चन तो सब इसका हार्ड है, इसके हिसाब से इसमें नॉर्मलाइज होगा तो ज्यादा नंबर बढ़ेगा और इसका कटअप कम जाएगा। जनगणना से फिर डाल दिया 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी राज कौन था? दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरा राज्य जनगणना फिर से रिटर्न जनगणना रिटर्न किया, राष्ट्रपति रिटर्न किया भैया। राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति का उम्र कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति पद के ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना जो रिव्यू देख रहे हैं उनको तो ये फायदा हुआ होगा, जरूरी हुआ। और आर्टिकल का विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन बना है? वो था वहाँ का महाराष्ट्र का एगो अंधेरी विधानसभा है, उसका विधानसभा का कौन सदस्य बना है? शास्त्रीय नृत्य का कौन सा धर्म से संबंधित था? धरती का एगो पर्यावाची था। परसेंटेज है क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है परसेंटेज से। कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट में। मैं प्रीतम राजा आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूं आप सबके सेवा में। आज जो है 6 फरवरी का एग्ज़ाम 4 शिफ्ट का समाप्त होने जा रही है SSC GT का। तो मिलते हैं कुछ कैंडिडेट से और पूछते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहा और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट। कितना अटैम्प किए? क्या बोल रहे हैं? कितना अटैम्प किए आप? अटेम्प्ट किए हैं पूरा 80 मार दिए, ठोक दिए पूरा ठोक दिए। उस क्वेश्चन याद है क्या? बताइए। जैसे एक था उसमें कि चावल खरीदा, तो उसमें चारों के चारों तो सही थे, लेकिन उसमें कौन सा लगाना था, कंफ्यूजन बहुत था। मुहावरा से क्या देखने को मिला? मुहावरा में एक था कि ये क्या था भाई निर्तार से कुछ था क्या? निर्तार से देखने को मिला क्या? एक शास्त्रीय डांस था। शास्त्रीय डांस कितना अटेंड किया आप? 64 अटेंड कर दिए। हेलो कैसा एग्जाम गया सर? अच्छा गया। कितना अटेंड कर पाए आप? 55। बताइए कुछ जी के जिससे याद है क्या? हाँ बताइए ना, किससे आप क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा मैथ टाइम टेकन था। और करेंट ऑफर में बताइए ना क्या देखने को मिला? करेंट में 2022 से और 2019 से क्वेश्चन ऐसे सीधा हो जाइए ना, सीधा रहिए। 2022 से क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र से कौन जीते थे 2022 में, किनको महाराष्ट्र से कौन किनको सीट मिला था? देवेंद्र फडणवीस, ये सब बहुत सारा ऑप्शन था उसमें। का विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन बना है? वो था वहाँ का महाराष्ट्र का एगो अंधेरी विधानसभा है, उसका विधानसभा का कौन सदस्य बना है? नृत्य महोत्सव से कुछ था क्या? नृत्य से था? शास्त्रीय नृत्य का कौन सा धर्म से संबंधित था? शास्त्रीय नृत्य का कौन सा धर्म से संबंधित है? मतलब कि बहुत टॉप कर दिया, इतना टॉप तो भाई कोई नहीं, कोई जीके इतना टॉप नहीं रहता है। जिसका 2000 ईस्वी में जिसको मान्यता मिली ना फोर्थ शास्त्रीय संगीत, उसका क्वेश्चन था जो बौद्ध से संबंधित है, उसका क्वेश्चन था 2004 वाला जो था उससे कौन से शास्त्रीय नृत्य। हिस्ट्री से क्या लगा देखने को? हिस्ट्री से ठीक था, वाहन वंश कितने वर्ष पूर्व का था, वो भी टॉप ही है क्वेश्चन, टॉप है, लुसेंटर में मिलने कहीं नहीं देखेगा। करंट अफेयर 22 वाला था या 21 वाला था? करंट अफेयर बहुत पहले का था, 22 का भी था, 19 का भी था, 22 का भी था, वही तो 22 का है फिलहाल है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा वाला है। अच्छा, अब हिंदी में मतलब ये मुहावरा कितना देखने? हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ हिंदी पर्यावाची था। अच्छा पर्यावाची क्या था? धरती का एगो पर्यावाची था। अच्छा एगो आकाश वाला था, आकाश से मछली का था, मछली का, हाँ मछली का था। क्या लग रहा है पहले से जो है से हाई कर दिया गया है, लो है या मीडियम? नहीं सर, पहले से हाई है एग्जाम, पहले से हाई कर दिया ना, जैसे जैसे एग्जाम दिया जाए तैसे तैसे हाई कर दिया। के हिसाब से का टाइम बहुत कम है। मैथ में क्या लग रहा है? मैथ में बताइएगा परसेंटेज से कितना क्वेश्चन देखने को? परसेंटेज से बहुत परसेंटेज है क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है परसेंटेज से, लेकिन टॉप क्वेश्चन है, उसके तुलना में टाइम बहुत कम है। दो क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था, यही सब था। और रेलवे संबंधित था क्या, जैसे कि रेलवे इतना इतना दूरी कितना दिन में? नहीं नहीं वैसा था, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन था, स्पीड से कुछ पूछ रहा है, स्पीड से था लेकिन चाल से था, चाल समय दूरी से था, ये सब क्वेश्चन था। और रीजनिंग में बताइए कि वाटर इमेजर से कुछ देखने को मिला क्या? मिरर इमेज, इमेज से था, इमेज से क्वेश्चन था। किस टाइप था कुछ ध्यान? दो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन पूछ लिया, दो R2Z करके लिखा हुआ था, बोला था कि मिरर में देखने पर कैसा देखने पर उसका कैसा बनेगा, R2RST करके कुछ लिखा हुआ था, 3-4 मतलब एक लाइन से था, उसके बाद नॉन वर्बल से था, वर्बल से भी था, उसके बाद अपना नाम बता दीजिए व्यूअर्स को। विनोद कुमार है। कुछ और बता सकते हैं? कुछ ध्यान? हाँ सुपौल जिला से, क्या बता सकते हैं मतलब? सर कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? 63 को अटेम्प्ट किए हैं। कैसा लग रहा है एग्जाम, नाम बता दीजिए आप? मेरा नाम अमन कुमार झा हुआ सर। टाइम कम हो जा रहा है,
बोला था मीरा भाई चानू किससे संबंधित है। अच्छा, मीरा भाई चानू किससे संबंधित है? उसके बाद चाल दे दिया था, उसे पूछा था। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं एवरेज से कितना क्वेश्चन देखने को? इसमें जो गद्यांश दे रहा है ना इतना मैं क्या बोले, इतना कम टाइम में इतना गद्यांश नहीं देना चाहिए। बहुत टफ जा रहा है एग्जाम का। हिंदी का जो गद्यांश रहा भैया वो टफ था, बाकी हिंदी का नॉर्मल क्वेश्चन था, रीजनिंग मेडिएट क्वेश्चन था बोल सकते हैं। कुछ पता ही नहीं मुहावरा कितना था, मुहावरा कितना था, मुहावरा से था, धरती का धरती योजना से कुछ देखने को मिला क्या? योजना था, योजना जनगणना से, जनगणना से फिर डाल दिया। 2011 जनगणना के अनुसार दूसरी राज कौन था? दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरा राज जनगणना फिर से रिटर्न किया, जनगणना रिटर्न किया, राष्ट्रपति रिटर्न किया भैया। राष्ट्रपति में क्या था? राष्ट्रपति का उम्र कितना होना चाहिए राष्ट्रपति पद के? ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन है ना जो रिव्यू देख रहे हैं उनको तो ये फायदा हुआ होगा, जरूरी हुआ। हां फायदा भी। और आर्टिकल से और क्या मिला? आर्टिकल से हमको आर्टिकल से पॉलिटिक्स नहीं मिला, आर्टिकल से नहीं मिला, आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या बोलते हैं इसे छठी पंचवर्षीय जनगणना से क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना से मिला भी आया कि छठी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, जिसका आंसर लोक नृत्य से क्या था? शास्त्रीय नृत्य कौन धर्म से संबंधित है? अच्छा, शास्त्रीय कौन धर्म से संबंधित है पूछा था, किस टाइप था बताइएगा? जैसे शास्त्रीय नृत्य कौन धर्म से संबंधित है पूछ दिया था, धर्म के बारे में पूछ लिया। बहुत टॉप कर दिया, मतलब इतना टॉप तो लोग नहीं याद कर सकते है ना, नहीं कर सकते उसको, धर्म के बारे में तो लोग नहीं, जैसे कौन किससे संबंधित है ये याद। इतना कम टाइम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम डेढ़ घंटा देना चाहिए, 60 मिनट दे दिया था, 90 मिनट कम से कम होना ही चाहिए इसमें। देखिए ऐसा क्वेश्चन में नॉर्मलाइज होना चाहिए। बड़ी बात उसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था, टॉप क्वेश्चन था, और टाइम टेकन मतलब टाइम कम था, सबसे बड़ा चीज। उसके बाद मैथ भी कैलकुलेटिव दिया हुआ है, कोई लड़का 12-13 से ज्यादा मैथ अटेम्प्ट का कोई कर रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन तो था सीरीज वाला, टाइम टेकन सीरीज वाला क्वेश्चन था, और सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी थोड़ा टाइम टेकन। सिटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन था? दो क्वेश्चन था, गोल मैच में बैठने वाला था, एक गोल में था, एक गोल में था, उसके बाद अथी और छह पांच था अथी बैठाने वाला, दो गोल में था एक बैठाने वाला था, और दो तीन क्वेश्चन सीरीज का था। अरे यार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार, हम मोतिहारी से आए हैं, यहाँ सेंटर मेरा दिया है। क्या लग रहा है कटअप क्या जाएगा सर, कटअप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं ना 50 या 55 के बीच में, 50 या 55 के बीच में, 50 55 माने 110 ये दोनों के बीच में रहेगा तो उसका मेरिट बन सकता है। कटअप बनने का मान 100 के पारी होगा, इससे कम नहीं सकता। राष्ट्रपति का मतलब उम्र पूछा था कितना मिनिमम हुआ? ज्योग्राफी से क्या मिला सर? द्वितीय जनसंख्या में सब ज्यादा कौन है? द्वितीय जनसंख्या में पूछा था महाराष्ट्र का विधानसभा का अध्यक्ष, महाराष्ट्र में भी पूछा था अंधेरी से उपचुनाव कौन जीता है, पूछा था सबसे कम महाराष्ट्र में जो है लोकसभा स्पीकर कौन बने, ये क्वेश्चन था महाराष्ट्र का क्वेश्चन था, जो लिखित संविधान पूछा था, सबसे बड़ा लिखित संविधान संविधान किसका था? संविधान से यही था ना, लिखित बड़ा संविधान ही तो। और एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था रबर से दो गो था, राष्ट्रपति का वेतन, अधिराष्ट्रपति का उम्र, और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा था, कि रबड़ का जो हो खेती क्या मिला, रबड़ का खेती कहाँ होता है, मतलब किस क्षेत्र में होता है, रबड़ का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, रबड़ खेती सबसे। और एक पूछा था निम्नलिखित ऑप्शन दे दिया था, खाद्य फसल कौन सा है, चावल दिया था ऑप्शन, अब सब दिया था मतलब रेशा वाला दिया था, हल्का क्वेश्चन था, का जो लेवल था ना लगभग ठीक था, हिंदी का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हार्ड था, हिंदी का जो कि गाधा नागपुर का विशेष अधिवेशन हुआ था, सहयोग आंदोलन के समय कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ये पूछा था। देखिए और योजना से कुछ देखने को नहीं मिला, पंचवर्षीय योजना फिर से डाल दिया, पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू आ रहा है यही ना। चलिए अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा थंबनेल में आ जाइए, अकेला अकेला बता दीजिए, थंबनेल में आ जाइए ना। देखिए आपको नाम क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन लगभग ठीक था, मैथ का भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जीके जैसे भी क्वेश्चन ठीक था, बाकी थोड़ा सा हिंदी का जो क्वेश्चन था टफ था, उसको बोल सकते टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, टाइम टेकन आंसर वाला जो मुहावरा कितना था, मुहावरा 3-4 मुहावरा था, किस टाइप था कुछ बताइए ना, किस टाइप, जैसे कि मतलब एक होता है ना कि देखिए छाती पर सांप लेटना, छाती पर सांप को लौटना लौटना मुहावरे का अर्थ ये चीज था, और था कि परिवाचित शब्द था धरती का जो प्रवाचित सब था, और बस यही था बाकी सब तो। कितना अटेंड किए हैं?
अटेम्प्ट 65 गया। आपको तो जो है फिजिकल का तैयारी करना ही चाहिए, और जो ऐसे आप कितना कर पाए? 63 किए हैं। 63 किए भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग अटेंड किए हैं क्या? लेकिन बात है ना, मैथ में बहुत कम, 11 को मैथ ही बना है हम लोग से, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 20 में 20 बनाता कौन है? मैथ में 20 में 20 बनाने के लिए कैलकुलेटिव मैथ था, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और एडवांस का मैथ थोड़ा टफ था। रीडिंग में तो सीटिंग अरेंजमेंट दिया था, उसका पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बढ़ाया है क्या घटाया है। सीजीएल वाला डाल दिया, मतलब मैट्रिक लेवल का नहीं दिया। मैट्रिक लेवल का नहीं। कथन निष्कर्ष कितना मिला देखने? कथन निष्कर्ष बता रहे हैं एक ही था, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक था। कथन ब्लड रिलेशन से बतलाइएगा। नहीं, ब्लड रिलेशनशिप एक था, एक था। किस टाइप था? इशारा करते हुए था या ए बी सी? नहीं, वो नहीं था। जैसे नहीं देता, ए बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, सी डी सिंबल, उसका मतलब कि घुमाने वाला दे। हां, अब इसको पहले भैया आप निकालिए कि इसका मतलब क्या होगा, उसके बाद वैसे करके बनाइए। मतलब ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन था वो टफ था, ये कहने का मतलब है। आपको सबसे पहले चेक करके पूरा का तब आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, नाम बता दीजिए। दीपक पांडे। कहाँ से आप आए? हमारे पटना से है। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। कहाँ से आप आए? मोतिहारी से आए हैं। धन्यवाद। मैं युवराज सिंह, छपरा से। 61 61 क्या लग रहा है एग्जाम का लेवल? क्या एग्जाम में मॉडरेट था, थोड़ा आधा घंटा में थोड़ा मॉडरेट था। क्या लग क्या रहा है? हाई हाई नहीं कर दिया है? पूरा हाई नहीं है, मॉडरेट है थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किया? ज्यादा लग रहा है। अटेम्प्ट कितना किया? 61 किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप आए हैं? मधुबनी। नाम बदला दीजिए। बलवीर कुमार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? हम तो 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 68 किए तो बहुत बढ़िया किए हैं। देखिए, क्वेश्चन जिस हिसाब से जीडी का होना चाहिए, मेरे ख्याल से उस हिसाब से बहुत हार्ड एग्जाम था। बहुत हार्ड। जीके का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, और मैथ का कुछ क्वेश्चन था कैलकुलेटिव, बाकी सब क्वेश्चन आसान था, क्योंकि दो क्वेश्चन जो था ये सीआई से पूछा गया था। और हिंदी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब ठीक था, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन सब कोडिंग डिकोडिंग वाला था और सिटिंग अरेंजमेंट वाला दो क्वेश्चन था, तो वो सब क्वेश्चन ठीक था। लेकिन ओवरऑल हम बोलेंगे इस एग्जाम को तो एग्जाम थोड़ा टॉप कर दिया गया है। पहले से क्या लग रहा है? पहले से मतलब कुछ टॉप कर दिया। हाँ, क्वेश्चन तो सब इसका हार्ड है, इसके हिसाब से इसमें नॉर्मलाइज होगा तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा और इसका कटअप कम जाएगा, इतना ही। और क्या रीजनिंग में जो इसे घुमाने लगा है क्वेश्चन, यही ना? हाँ, क्वेश्चन सब रीजनिंग में भी था, कोडिंग डिकोडिंग था, सिटिंग अरेंजमेंट वाला दो क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग कितना देखने को मिला? कोडिंग डिकोडिंग का शायद दो क्वेश्चन था, और सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी दो क्वेश्चन था। वाटर इमेज से कितना दिया था? या वाटर इमेज ने मिरर इमेज से कितना था? मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। हाँ, अच्छा। अब ये बताइए, हिंदी में क्या लगा देखने को आपको? हिंदी में तो मेरे हिसाब से ठीक क्वेश्चन था। ठीक है। मुहावरा कितना था लगभग? मुहावरा दो मुहावरा था शायद। हाँ, दो मुहावरा था, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब था, और एक पैराग्राफ वाला था, पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन लिखना था। अच्छा, आने वाले कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं? अभी जो 5 दिन बचा हुआ है, कुछ क्या देख कर आए जो लगभग कुछ मतलब 5-6 नंबर बढ़ जाए उनका? देखिए, आने वाले कैंडिडेट जीके जीएस का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार जो जीके जीएस पूछा गया था वो अनएक्सपेक्टेड था। मैथ का बच्चा जो भी है वो रिवीजन करे, रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत रिवीजन करे, हिंदी का भी वही बात है। कुछ एग्जाम का कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कोई भी शिफ्ट हार्ड हो सकता है, कोई भी शिफ्ट। कटअप क्या लग रहा है? कटअप क्या जाने वाला? देखिए, कटअप इस बार तो हालांकि पैटर्न चेंज कर दिया, तो कटअप गेस करना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से है 80 क्वेश्चन है, तो यदि कोई बच्चा 60 सही करके आता है तो उसका तो बहुत अच्छा सेफ है। हाँ, 60 क्वेश्चन यदि बना कर, मतलब सिंपल सी बात है, 110 नंबर वाले सब सेफ रहेंगे, 115-20 तक इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। 55 से 60 क्वेश्चन वाला सबका अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए। अब कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर से। नाम बतला दीजिए। प्रमोद कुमार। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप टाइम दिए। धन्यवाद। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है, ये चीज़ आपने देखा। मतलब रीजनिंग जो है से थोड़ा बहुत टफ करते जा रहा है, रीजनिंग पहले की तरह नहीं आ रहा है, रीजनिंग को अब टफ कर दिया गया है। तो ये कहेंगे रीजनिंग को जो है से बहुत टफ लेवल का आप करके आइए, क्योंकि रीजनिंग सोचिएगा मैट्रिक लेवल पर आए, वो नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम जैसे जैसे लेट हो रहा है, इसी तरह एग्ज़ाम का टॉपिक को भी चेंज किया जा रहा है।